अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगारा। स्वागतम श्रद्धे स्वागतम अभिनंदन समवेत समागत अभिनंदन समवेत समागत सुर नर मुनि अभ्यागतम अभिवादनम श्रद्धे स्वागतम श्रद्धे स्वागतम अभिनंदन समवेत समागत अभिनंदन समवेत समागत गुणी ज्ञानी अभ्यागतम अभिवादनम श्रद्धे स्वागतम श्रद्धे स्वागतम। ये बड़ौदा ईश्वरीय परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत करता है और आज सुनना चाहेंगे हम आपके इस जीवन के ईश्वरीय जीवन के आपके सुंदर से अनुभव। तो पूनम बहन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत और हम चाहेंगे आप पहले सविता बहन को इंट्रोड्यूस करें स्वागत करें और फिर हम सुनेंगे आज के अनुभव। ओम शांति सविता बहन जी। ओम शांति ओम शांति। तो आज बहुत ही खुशी हो रही है कि आज आप अपने व्यस्त समय में से, क्योंकि आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है और जो है आपकी जो प्योरिटी ऑफिस की सेवा है वो दिन रात चलती रहती है, तो इसलिए उसमें से आपने आज की जूम मीटिंग के लिए अपना अनुभव शेयर करने के लिए जो समय निकाला है, सबसे पहले तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स कि आपने समय निकाला और आपकी तो सूरत मूरत हमेशा मुस्कुराती हुई सबको नजर आती है। आप वो सैंपल हैं इस समय बाबा के, जो इतनी ऑफिस की हर प्रकार की सेवा करते हुए अपने ज्ञान सरिता बहाने वाले भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी और आदरणीय आशा दीदी जी के सानिध्य में पालना में हमारी सविता बहन जी जिस तेज गति से आगे बढ़ती जा रही है ऑफिस की सेवाओं को संभालते हुए सेल्फ प्रोग्रेस के और क्लास वगैरह भी कभी कभी ओआरसी में कराते हुए आप आगे बढ़ती जा रही हैं, तो आपको इतनी छोटी सी आयु में आपने आध्यात्मिक मार्ग पर कदम रखा, आज 32 वर्षों से आप अपनी आध्यात्मिक जीवन औरों की सेवा में समर्पित करते हुए चल रही हैं, 22 वर्षों से आप जो है सेवा केंद्र पर रहते हुए पांडव भवन में अपनी प्योरिटी ऑफिस में सेवाएं दे रही हैं, क्योंकि लौकिक दुनिया की पढ़ाई में आपने एमकॉम किया है और सीए हैं आप, इसलिए हर प्रकार की बड़ों ने आपके ऊपर ऑफिस की सेवाओं की जिम्मेवारी देखी है। हमने तो जब भी पांडव भवन आते हैं प्योरिटी ऑफिस में आपको देखते हैं, हमेशा सेवा की लगन में मगन ही रहते हैं, हमेशा किसी ना किसी को निर्देश देते हुए कोई ना कोई फोन से बात करते हुए व्यस्त ही देखा है आपको। और मनीष भाई, मैं अपनी सविता बहन के लिए ये बताना चाहूंगी आपको कि बहुत ही सहनशील बहुत समझदार और बहुत मिठास वाली अपने बोल में हैं, और इतना मतलब हमने देखा है कई बार दिल्ली के मेगा प्रोग्राम होते हैं और इनके ऑफिस में इतने फोल्डर पैम्फलेट रखे होते हैं, लेने वालों की लाइन लगी हुई होती है, कभी तो अकाउंट के काम के कारण भी होती है प्रोग्रामों की और कभी इसके कारण से भी, लेकिन एक एक बयान बहन से आपको इतना प्यार से और इतना हर बात का धैर्यता से जवाब देते हमने देखा है, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि इतनी व्यस्तता होते हुए भी और जो है आप अपने मनोबल से अपने गुणों से सबको बाबा का बना करके चल रही हैं, बड़ों के प्रति विश्वास निश्चय बिठा करके चल रही हैं अपने के द्वारा, तो आपका बहुत बहुत
शिव स्मृति जूम चैनल पर तहे दिल से, खुले दिल से स्वागत है, स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बाकी तो हम आपके मुखारविंद से आपके सुंदर सुंदर अनुभव सुनेंगे कि कैसे छोटी सी आयु में पढ़ाई पूरी करने के बाद जो है आप ईश्वरीय सेवाओं में अग्रसर हो गए। ओम शांति। थैंक यू पूनम बहन। और चंपा बहन, जयंत भाई बोलो। डॉक्टर साहब, आज प्यूरिटी ऑफिस से सविता बहन परिचय का सुना। प्यूरिटी के दाता भी है, इतनी सारे वर्ल्ड में प्यूरिटी जाती है, प्यूरिटी को देखकर ही पावन बन जाते हैं। ऐसी प्यूरिटी का संचालन करने वाले हाँ हमारे सविता बहन को स्वागत करने से बहुत बहुत खुशी हो रही है। और आपका अनुभव सुन के और खुशी होंगी। हमको तो पूनम बहन ने सारा पिक्चर दिखा दिया पांडव भवन की, आपकी ऑफिस का कैसे कितना सारा लोड होता है, चारों तरफ से सेवा चलती रहती है। तो इतना अच्छा कार्य करने वाले आपको मिलके हमें बहुत ही प्रेरणा मिलेगी, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है और स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो सविता बहन भले आप शुरू करें। आज इतना सुंदर परिवार जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर सारे देख रहे हैं, सभी ब्राह्मण परिवार को मेरा मन का उद्गार जो भाई जी ने रिक्वेस्ट किया था, आप आपका शुरुआत का समय ब्राह्मण जीवन की शुरुआत और ब्राह्मण जीवन में जैसे हमको बाबा की हाथ और साथ रहा, ये विशेष अनुभव शेयर करने के लिए आज मैं उपस्थित हूँ। पहले ब्राह्मण परिवार की फुलवाड़ी को देख के मन बहुत हर्षित होता है, क्योंकि कई दिनों से बहुत बड़े परिवार का को देख करके बहुत दिन हो गया है। अभी अभी हमने वारसी में बहुत दिन के बाद बड़े परिवार को देखा, ये सारा मिसिंग है इस समय पर। वैसे शुरू से मैं 23 साल से वर्तमान समय आपने सभी ने सुना दिल्ली पांडव भवन सोनल हेडक्वार्टर्स ऑफिस में ब्रजमोहन भाई के साथ सेवाएं दे रही हूँ। खास मैं निकली हुई हूँ वैसे कर्नाटक मैसूर जोन से, प्रॉपर मैसूर से ही हूँ। शुरुआत में मुझे इतना बाबा के ऊपर या समर्पित जीवन जीने का कोई भी लक्ष्य नहीं रहा, क्योंकि शुरू से मेरा यही मन था मुझे अच्छा पढ़ाई करना है। फिर सबसे ज्यादा फैमिली के अंदर सबसे ज्यादा पैसे कमाना, फिर अच्छे से नौकरी लेना, फिर अच्छा मकान, सबसे बढ़िया फैमिली के अंदर किसी का भी ना हो ऐसे गाड़ी खरीदना, ऐसे मकान बनाना, यही लक्ष्य था। बट बाबा जानी जाननहार है बच्चों को कहाँ से चुनना है, कैसे चुनना है, फिर कहाँ उनके गुणों के आधार से कहाँ उनको फिट करना है वो बाबा जानता है, क्योंकि हमारी प्लानिंग अलग होता है तो बाबा के प्लानिंग और भी कुछ अलग होता है। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ है। शुरुआत में मेरा नाना नानी बहुत इंटरेस्टली ध्यान में चलते थे, खास करके नाना जी का कुछ अपना ही कुछ असूल था। वो बहुत डिसिप्लिन व्यक्ति थे, फिर वो गांधी फॉलोवर थे, वो सिंप्लिसिटी बहुत थी उनके अंदर। फिर नानी पहले ज्ञान में चली, उनको लेने जाने, फिर लेने के लिए ले आने के लिए ये जाते रहे। जब वो देखते थे ये लाल लाइट क्या जलाते हैं ये लोग, फिर वो अंदर जाते रहे, फिर उनके साथ सब नानी के साथ नाना जी भी ज्ञान में चलने लगे। तुरंत उन्होंने जब से ज्ञान में चले एकदम उनके जीवन में बहुत चेंजेस आया, क्योंकि वो किसी को भी डरते नहीं थे, लोक लाज कुल मर्यादा इन बातों में वो नहीं आते थे। इस कारण से जो भी धारणाएं हैं वो तुरंत फॉलो करना शुरू किया।
ऐसे ही जैसे उन्होंने शुरू किया ऐसे ही उन्होंने अपने बच्चों को भी, मतलब मेरी मदर को, सभी को, उनकी इच्छा थी सभी इस ज्ञान मार्ग में चले। सेम वैसे ही मेरी मदर भी बहुत सिंपल, डिसिप्लिन्ड और बहुत स्ट्रिक्ट, जैसे कहे जैसे बच्चे मदर के साथ कोई फ्री रहते हैं ऐसे कोई खास स्ट्रिक्ट नहीं रहते। माना आजकल कोई मदर और डॉटर के बीच में इतना अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स हो जाते, कोई केयर नहीं करते, ऐसे मेरे साथ नहीं था। मेरी मदर बहुत स्ट्रिक्ट थी, जो वो कहती थी हम फॉलो करते थे, जो उनकी कहना हम मानते थे। इस कारण से ही मैं कह सकती हूँ आज स्थान पर बैठे हैं। ऐसे ही आधी से जब वो नाना नानी के घर कभी हॉलीडेज में जाते थे, जब उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया सारे धारणा, उन्होंने एक दिन अपने बच्चों को कहा अभी से आप लोग किचन में नहीं आना, जो कुमारियां हैं वो लोग हमको मदद करेंगे खाना पीना बनाने में, क्योंकि हम लोग अभी कुछ बातों को फॉलो करते हैं, इस कारण से आप लोग कोई किचन में नहीं आना। ये बात मेरे पेरेंट्स को, फिर मेरे मासी, सभी को बहुत हर्ट हुआ। इतने दिन हम सब कुछ करते थे, अचानक इन्होंने कौन सी ऐसी फॉलो करना शुरू किया, उन्होंने हमको मना कर रहे। फिर इसी कारण से वो लोग पूछा करना क्या चाहिए हमको, फिर सीधा सीधा डायरेक्ट डायरेक्ट धारणाएं उन्होंने सुनाया, ये सारा जब आप लोग फॉलो करेंगे तभी आप किचन में आ सकते। इसलिए पहले हमारा शुरुआत ज्ञान से नहीं हुआ, पहले धारणा शुरू हो गई। फिर पेरेंट्स वापस हमारे घर वापस अपने अपने स्थानों पे गए, पहले उन्होंने धारणा शुरू कर ली। इसलिए शुरू से मैंने ज्ञान से पहले, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तभी धारणा शुरू किया, बट बहुत बार मेरी धारणा टूटती थी फिर ठीक हो जाती थी। मतलब मेन धारणाएं तो करते थे, कभी कॉलेज में होने के कारण, कभी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाके कुछ कहना, इन बातों को मैं परफेक्टली नहीं मानती। फिर मैं शुरू से बीच बीच में, मेरी माता जी मुझे जब हाई स्कूल में थी साईं बाबा के सत्संग में भी भेजती थी, क्योंकि घर में बिजी रहे बच्चे, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहते थे, संग दोष में ना आ जाए, इसलिए स्कूल, स्कूल के बाद ट्यूशन्स, ट्यूशन्स के बाद हिंदी क्लास, हिंदी के बाद, ऐसे कई जगह पे हम लोगों को बिजी रख देती थी, क्योंकि हम बाहर के आकर्षण में ना आए। ज्ञान में नहीं थी, फिर भी उनके बुद्धि में ऐसे था ये लोग ठीक रास्ते पे चले, कहना माने, फिर संग दोष में ना आ जाए, इस कारण से। फिर मैं वो साईं बाबा के सत्संग में जाती थी। जब ये लोग नाना नानी ज्ञान में चले, वो लोग भी बाबा बाबा कहते थे, मैं सोचती थी ये कौन सी बाबा है, मैं जाती हूँ वो कौन सी बाबा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया ये कौन सी बाबा के बात कहते हैं, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं थी उसके ऊपर। जब मैं ग्रेजुएशन में जा रही थी, ग्रेजुएशन चल रहा था, तभी भी ये लोग बहुत ज्ञान मार्ग में चलने लगे। फिर मेरी छोटी सिस्टर बहुत इंटरेस्टली चुप के कॉलेज के साथ साथ वो सेंटर में भी जाने लगी। फिर वो चाहती थी मैं भी सेंटर में जाऊँ, मुरली सुनूं, बट मुझे कोई ऐसे इंटरेस्ट नहीं था। मैं सोचती थी ये तो इनकी ट्रैक है, ये मेरा लाइन अलग है, उनको कोई लक्ष्य नहीं है पढ़ने के लिए, मेरे लिए तो मेरा एजुकेशन ही सब कुछ है। इसलिए मैं सोचती थी ये ज्ञान 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 सारा कुछ नहीं है, इसलिए भले मैं फॉलो कर रही हूँ बस यही काफ़ी। बट मेरी मदर के अंदर बहुत इच्छा था वो अच्छे से ज्ञान में चले, ये तो जा रही है क्लास, ये भी जाए। फिर मुझे बहुत युक्ति से, जब ग्रेजुएशन पूरा हुआ, ग्रेजुएशन तक तो कुछ बोली नहीं क्योंकि स्कूल कॉलेज में बिजी, कॉलेज में ही बिजी रहते थे। फिर जब ग्रेजुएशन पूरा हुआ, मेरा नेक्स्ट ऑप्शन थी, मैंने सोचा मैं सीए करूं। सीए करने के लिए ऑडिटर ऑफिस में मैंने ज्वाइन किया। बड़े युक्ति से मुझे कहा आप ना सिर्फ बीकॉम करने से कोई फायदा नहीं, आपका लक्ष्य है अच्छे जॉब करना है, तो आप शॉर्ट हैंड सीखो, शॉर्ट हैंड सीखेंगे ना बड़ी जल्दी आपको जॉब मिलेगी। फिर क्यों बता रही है शॉर्ट हैंड सीखने के लिए, मेरा ध्यान में। फिर मुझे पता पड़ा जहाँ सेंटर है
सेंटर के पास जो इंस्टीट्यूट है वो कहती थी आप वहाँ ही ज्वाइन करना। मैंने कहा पता नहीं क्यों इतना दूर जाना, नज़दीक का भी कोई जा सकते हैं। कहती है नहीं नहीं वो इंस्टीट्यूट पे जाना। मैंने कहा चलो ठीक है, वही इंस्टीट्यूट पे मैंने शॉर्ट हैंड के लिए ज्वाइन किया। शॉर्ट हैंड थोड़े दिन ही गई, वो घड़ी घड़ी मुझे बोलती थी वहाँ एक नज़दीक सेंटर है, आप थर्सडे क्यों नहीं जा सकती हो, थर्सडे वहाँ सेंटर पे जाओ, वहाँ से आके ऑफिस जाओ, ऐसे ऐसे मुझे प्रेरणा देती थी। फिर भी मैंने, मेरा लक्ष्य कुछ भी नहीं था सेंटर में जाना या मुझे ज्ञान को अपनाना, वो नहीं था। सिर्फ उनकी बात को मानने के लिए मैंने क्या किया, चलो ठीक है आपकी बात के लिए मैं मान लेती हूँ, ये सोच के मैं सेंटर पे जाती रही। फिर सेंटर में ऐसे वही एक क्षण जहाँ मैं सेंटर में जाती थी, वो दिन बाबा ने मेरा अंदर बीज डाल दिया ऐसे ब्रह्मा कुमारी बनने का, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी जीवन बाबा जानता था मुझे कैसे यूज करना है। उस दिन से ऐसे ही वो बहन जी मुझे थर्सडे हमारी बहन जी क्लास ही नहीं कराना, रोज कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट बनाती थी, खिलाती थी, फिर खिला करके जल्दी जाओ आपका ऑफिस के टाइम हो गया, ऑफिस के टाइम हो गया, जल्दी जल्दी मुझे भेज देती। फिर भी मेरा मन इतना मुरली के ओर नहीं था, मेरा लक्ष्य केवल ऑफिस, मेरा एजुकेशन। बड़ी नशा थी मुझे, मैं तो सीए कर रही हूँ, ये लोग सारे ऐसे ही मुरली सुनाते हैं सेंटर आने के लिए, ये सारे गप है, ऐसे कुछ भी नहीं है मेरा, मैं मेरी प्रोफेशन मेरी एजुकेशन इसी में ही मिलती। मेरा लक्ष्य था मैं सीए पास करूँ, बड़े ऑफिस खोलूँ, बहुत सारा पैसा कमा लूँ, केवल इसी नशे में जी रही थी। फिर भी मैं उनके मांग के कारण उनको भी सम्मान देना है, उनसे प्यार से भी बात करती थी। फिर वहाँ से आकर के सीधा घर आई, फिर परीक्षा ऐसे ही आती थी। जब भी मैं सेंटर से आती, मेरे फादर के साथ ही मेरा ब्रेकफास्ट करना पड़ता था। फिर रोज़ मेरे फादर देखते थे ये सुबह नाश्ता भी इतना करती है क्यों। उनको थोड़ा सा मन में आया, क्योंकि उनको पता था दूसरे सिस्टर सेंटर में जाती है, थोड़ा थोड़ा पता था, इस कारण से वो सोचते थे ये पता नहीं कहाँ जाती है, थोड़ा सा तो नाश्ता करती है। एक दिन मेरे से कहा कहाँ जाके खा के आई हो आप, तो थोड़ा नाश्ता कर रही हो। नहीं नहीं पापा मुझे जल्दी जाना है, ऑफिस में जल्दी बुलाया, अभी नाश्ता करते रहो लेट हो जाएगा, ऐसे करते करते मैं बात को टाल देती थी। एक बार हमारे लक्ष्मी जी ने कहा सारे मधुबन जा रहे हैं, आप लोग भी कुछ प्लान बनाओ जाने के लिए, हिम्मत करो। फिर मेरा तो कुछ लक्ष्य नहीं था, मेरी छोटी सिस्टर को बहुत मन था मैं माउंट आबू जाऊँ, बाबा का स्थान है वहाँ जाना चाहिए, मेरा तो कोई नहीं था। चलो वो जा रही है तो मुझे भी जाना ही पड़ेगा, नहीं है तो वो छोटी है वो जा रही है, बड़ी नहीं जा रही है बोलेंगे, इसलिए मैंने सोचा चलो प्लान बना दिया। फिर तीन हम दो बहनें और मेरे एक कजन, तीनों का टिकट करा दिया फिर मधुबन जाने के। वो दिन हमारे घर के अंदर परिवर्तन होने के लिए एक कारण बना। जब टिकट बन गया थोड़े दिन के बाद पापा को बोला हम ऐसे जा रहे, जैसे सभी घरों में विघ्न आता है ठीक इसी तरह हमारे घर में भी बहुत बड़ा शोर मच गया। ऐसे कैसे जा सकते हैं कन्याएं, ऐसे कैसे जा सकते हैं, ये इनका उम्र बढ़ते जा रहे हैं, शादी का उम्र होते जा रही है, ये सारे कहाँ जा रही है, ये बिल्कुल नहीं जाना, हमने सुना नहीं उनकी बात। मेरी मदर बहुत हिम्मत देती थी, उनको बोलते रहने तो आप लोग अपना काम करो आप लोग जाओ, गुस्सा करने वाले कितने दिन गुस्सा करेंगे, आपके पापा कितने दिन गुस्सा करेंगे, करने दो आप लोग जाओ माउंटा पूछा। फिर हमने चुपचाप ड्रेस भी सिलवा दिया, सब तैयारी कर लिया। दो दिन के पहले मेरे फादर घर से चले गए बिना बताए, बस घर से निकल गए। फिर हम लोग को थोड़ा सा लगता तो है फादर है नहीं घर में, दो दिन से शोर। फिर दादी बहुत हमारे मेरे मदर के ऊपर बोलती रही आप लोगों के कारण वो चला गया, ये है वो है, घर में बहुत कला क्लेश चल रहा था। तब मैंने सोचा नहीं जाएंगे, कभी भी मेरी मदर बहुत हिम्मत करके हमको कह रही थी जाने वाले कितने दिन जाएंगे।
आप लोग हिम्मत करो, आप लोग जाने के बाद तो वो तो आएगा ही आएगा, कहाँ जाएगा, इसलिए आप लोग भले जाओ। बट मेरा मन नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं मेरे फादर को बहुत अटैच थी। मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहां भी जाके बुद्धि यहाँ ही रहे तो क्या फायदा, मैं नहीं जाती। ठीक है, फिर कैंसिल कर दिया। बट वो एक दिन, वो घड़ी बहुत अच्छा रहा जिस दिन कैंसिल किया। दो दिन के बाद मेरे फादर वापस आए, तब मेरे सिस्टर ने उनके सामने एक शर्त लगाई, पापा आपके बात हमने माना, अभी आपको हमारी बात मानना जरूरी है। वो तो बहुत प्यार प्रेम से मान लिया, कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, आप जो कहेंगे हम मानेंगे। फिर उन्होंने कहा अभी आप मम्मी को ना छुट्टी दो, दो दिन क्लास में जाने के लिए, थर्सडे और संडे सेंटर में जाने के लिए छुट्टी दो। तब तक हम धारणा भले सब कुछ करते थे, क्लास में नहीं जाते, हम तो कॉलेज से चले जाते थे, मदर नहीं जाती थी। तब उस दिन से मदर को भी छुट्टी मिल गया, वो लंबी कहानी है। फिर मदर को भी छुट्टी मिल गया, वो ना शुरू कर दी। ऐसे हमारे ब्राह्मण जीवन की धीरे धीरे आगे बढ़ने का समय आया। कुछ भी हो, मेरा मन में तो बिल्कुल कुछ भी बातों के लिए असर नहीं पड़ता था, क्योंकि भले उनका सभी का मन पूरा करने के लिए, उनकी बातों को मानने के लिए मैं भले जाती रही, मन के अंदर बिल्कुल इच्छा नहीं थी समर्पित होने का या सेंटर में। भले सेंटर की सारी सेवाएं करती थी, क्योंकि मेरे पास टू व्हीलर्स था, दीदी को ले जाना, कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना, कभी कई बाहर की सेवाएं करना, फिर कोई स्टूडेंट्स से मिलने ले जाना, सब काम करती थी, पर समर्पित होने के लिए नहीं मानती थी। उसके साथ साथ मेरे सेकंड सिस्टर, वो पहले समर्पित हो गई, फिर मेरा और भी नफरत बढ़ गया। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं देखते, एजुकेशन नहीं देखते, सारा छोड़ के वो चली गई सेंटर, ऐसे थोड़ी होता है। क्योंकि वो ऑलरेडी वो अपना एक फार्मेसी का एक दुकान खोल के रखती थी, फिर वो चली गई तो जिम्मेवारी मेरे ऊपर आएगी, क्योंकि हम सारे सिस्टर्स थे, फिर फार्मेसी का दुकान है, ये तो जिम्मेवारी का है, कोई दूसरों के हाथ में नहीं दे सकते, जिसको उसके ऊपर नॉलेज है वही कर सकते। तो मैंने सोचा ये तो बहुत गलत कि इनको तो बुद्धि नहीं है, इनको ये नहीं है, एजुकेशन के ऊपर कुछ नहीं है, उनकी लाइफ कैसे लीड करना है पता नहीं। फिर मुझे और भी सेंटर के ऊपर नफरत आई, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगी। मैं तो उस समय जॉब करती थी, मैंने सोचा जॉब मैं कैसे छोड़ू, जॉब ही मेरा सब कुछ है, मैंने यही सोचा था, जॉब ही मेरा सब कुछ है, फिर मेरा प्रोफेशन प्रमोशन मिलेगी, फिर ये कर सकते मैं वो कर सकती हूँ, बहुत सारे मेरा इंटेंशन ही कुछ और था, मैं सीए पास करूँ, मेरे लिए बहुत डिमांड है ये वो। मेरी मदर को बहुत था, ये तो जॉब में जाएगी तो बिल्कुल नहीं सुनने वाली है, इनको जॉब में नहीं भेजना। फिर परिस्थिति भी ऐसे ही आ गई, वो जब चली गई सेंटर, मुझे ऑफिस से रिजाइन करना ही पड़ा, क्योंकि मेरे दूसरे सिस्टर बहुत छोटी थी, वो ग्रेजुएशन कर रही थी, मेरे मन में उनके लिए बहुत तरस आया, बेचारी वो ग्रेजुएशन भी नहीं की, मैं ऑफिस में जाना शुरू किया तो वो छोड़ना पड़ेगा उनको, इस कारण से मैंने रिजाइन किया। रिजाइन किए तो भी मेरे मन के अंदर सीए का थोड़ा सा लत था। फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा फाइल्स मेरा खुद का क्रिएट किया। मैं सुबह सुबह मेरा कुलीग के पास जाती थी जॉब करने के लिए, क्योंकि मैंने बोला 10 बजे ही शॉप खोलेंगे, 10 बजे तक मैं मेरा जॉब करूँगी। फिर बीच में मेरे मदर और एक स्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन देती थी, जब तक सेंटर नहीं जाएंगे तब तक आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगी किसी को भी घर में, जब तक सेंटर नहीं जाएंगे ठीक है आपका मान रख लेंगे, हम प्रेजेंट तो जरूर दे देंगे। सुबह उठती थी गाड़ी उठाई, सिर्फ सेंटर में प्रेजेंट देना है ना, ठीक है प्रेजेंट दे देंगे, प्रेजेंट दिए दिए तो ब्रेकफास्ट मिलेगा, फिर ऑफिस भी जा सकते हो, सब कुछ कर सकते। वहां तो 6:30 से 7:30 की क्लास होता था, फिर मैं बड़े मजे से 7 बजे जाती थी, फिर अटेंडेंस लगनी है, बैठती थी पीछे जाके बैठ जाती थी, क्योंकि उनको दिखना चाहिए ना मेरे मदर को हाँ मैं गई थी सेंटर। फिर मैं ऐसे ही सेंटर जाती, फिर एक अटेंडेंस लगाया, फिर 7:30 वहाँ से दोबारा गाड़ी उठा के चलती ऑफिस जाती, 10 बजे तक ऑफिस में जॉब करके
पार्ट टाइम मेरा ही खुद का क्रिएटेड फाइल से वो अटेंड करके 10 बजे वापस घर आ जाते। वो छोड़ा नहीं मैंने मना, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट था मेरा अकाउंट्स के बारे में। फिर ऐसे ही चलता रहा। मेरे मदर ने सोचा ये तो बिल्कुल नहीं सुनने वाली है, बहुत बोलते नहीं, आप लक्ष्य सोचो, आपको करना क्या चाहिए सोचो लाइफ में। फिर मेरी जोन इंचार्ज हमारी लक्ष्मी बहन जी को घड़ी घड़ी बोलती थी इनको प्रेरणा दो, ये सेंटर में रहे, सेंटर में नहीं रहती, इनके पीछे और 2 बहनें हैं उनको भी तो जाना है सेंटर में, ये नहीं गए तो वो लोग भी इनको देख के नहीं जाएंगे, इसलिए इनको सेंटर में जाना। फिर वो घड़ी घड़ी बोलती थी आप थोड़े दिन सेंटर जाओ फिर वापस आओ, थोड़े दिन मधुबन जाओ। मैंने कहा मधुबन ऐसे थोड़ी जा सकती हूँ, मेरा जॉब है, मैं कैसे छोड़ दूँ, ये शॉप है कैसे छोड़ दूँ, ऐसे ऐसे बहा। वो कहती थी आप तो बोलते हो तो बहुत बड़ा मेरे लिए डिमांड है, बहुत जगह आप जा सकते हो, मेरे लिए बहुत लोग बुलाते हैं, आप ऐसे कहते हो चलो एक हफ्ते के लिए जाके आ जाओ मधुबन। मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो बात पकड़ लिया उन्होंने, मेरे लिए डिमांड है, मैंने एक दिन बोला था मेरे लिए क्या है, बहुत लोग जॉब के लिए बुलाते हैं ये वो, फिर ये बात पकड़ के उन्होंने मुझे जॉब से छुड़वा दिए, आप मधुबन जाओ फिर आने के बाद दूसरा जॉब ले लो, आप ही कहते हो आपके लिए तो बहुत डिमांड है। बस मुझे थोड़ा सा ऐसे ऐसे टोक कर करके मुझे इस रास्ते पे बहुत कोशिश करके ले जाती थी। फिर एक दिन मैसूर जोन में बहुत सारे भट्टियाँ चलती हैं, कितने दिन भट्टी, कभी 11 दिन का, कभी वो भी क्या एकदम माओ में भट्टी होती, 7 दिन का, 11 दिन का, कभी 21 दिन का, ऐसे लगातार भट्टियाँ चलती हैं बहुत अच्छे तरीके से एकदम मौन। माना मुरली का उत्तर भी हम उसमें नहीं दे सकते, सिर्फ इशारे से बताना। ऐसे एक बार 21 दिन की मौन भट्टी स्टार्ट हुआ था, तब अंदर ही अंदर उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, हमारी बहन जी को बता दिया बहन जी इनको भेजना ही है सेंटर पे, इसलिए 21 दिन का भट्टी में मैं उनको भेज दूंगी। मुझे पता ही नहीं, मैं ऑफिस से आई, कहती है आप चले जाना, आपके कपड़े सारे तैयार है। मैंने कहा ऐसे कैसे जाऊँ, मैंने छुट्टी भी नहीं लिया, परमिशन भी नहीं लिया, मुझे अप्लाई करना पड़ता है छुट्टी के लिए फिर मुझे मिलता है, ऐसे नहीं जा सकती। नहीं 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 नहीं, आप एक हफ्ते के लिए जाना, 21 दिन नहीं जाना। ठीक है, एक हफ्ते के लिए बहुत मुश्किल से मैंने माना, तभी भी क्या मैं नहीं मान रही थी। एक शब्द मेरे माता जी ने कहा, देखो आपको ना मुझे पता है आपकी दुनिया के आकर्षण बहुत है, इस कारण से आप बाबा के घर नहीं जाते। बस ये शब्द मेरे अंदर परिवर्तन लाया। मैंने कहा मेरा तो आकर्षण कुछ भी नहीं है, मेरा आकर्षण केवल पैसे कमाने का, पैसा बस और कुछ नहीं है मेरा आकर्षण, बाहर की दुनिया में आकर्षण इतना नहीं, सिर्फ मुझे अच्छे गाड़ी चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, सबसे ज्यादा अच्छा मुझे रहना है बस, और कुछ लक्ष्य नहीं, पैसा कमाना है प्रोफेशन, बस इस कारण से मैंने सोचा नहीं, इनका बात को गलत साबित करना है तो मुझे जाना पड़ेगा भट्टी में। फिर मैंने तब भट्टी में जाने का लक्ष्य रखा। एक हफ्ता हुआ, बस एक हफ्ते में मेरे फादर ने बहुत हंगामा मचा दी, सेंटर्स में फोन किया उनको वापस भेज दो ये वो बहुत। फिर लक्ष्मी बहन जी मेरे पास आई, मौन में थी, फिर भी उन्होंने बोला देखो आपके फादर बहुत झगड़ा कर रहे हैं, आपको वापस घर जाना पड़ेगा। फिर मैंने कहा, मैंने लिख के दिया, दीदी भले जाऊंगी फिर मैं वापस आऊंगी, मैं उनको मना के आ जाऊंगी। फिर दीदी ने कहा ठीक है मैं गाड़ी भेज दूंगी, आप उनको मना के ना, बात नहीं किया मैं। फिर मैं घर गई, फिर मेरी फादर से भी बात नहीं किया, उनके सामने जाके एक बड़ा पत्र लिखा, फिर कहा गारंटी दिया 21 दिन के बाद वापस मैं जरूर आऊंगी। बस वो पत्र से उनको हिम्मत आ गया, उन्होंने छुट्टी दे दी। फिर मैं चली गई सेंटर वापस, 21 दिन के भट्टी के अंदर बाबा ने मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। तब से लेके मुझे बहुत अच्छा लगा उस भट्टी में, बहुत सारे अनुभव मैंने किया 21 दिन में मौन भट्टी में।
तब मेरा लाइफ के बारे में मैंने सोचा, फिर यही एक समय है, यही एक जीवन है, इसी को मुझे अपनाना है। एज भी बढ़ते जा रहा है, मुझे कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा। ये सोच के मैंने 21 डेज में मैंने डिसाइड कर लिया मुझे समर्पित जीवन जीना। फिर भी ईगो ईगो बहुत है मुझे। फिर मैं बाहर आई तो बताया नहीं मैंने किसी को, फिर सीधा वापस जैसे थी वैसे घर गई, किसी को मन की बात नहीं बोला था। उसके साथ साथ मेरी मदर बहुत और एक तरह वो प्रयत्न करती रही कैसे भी करें उनको मधुबन भेजो। फिर उन्होंने मुझे कहा था ऐसा है मधुबन में बहुत बड़ा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, मैंने लक्ष्मी जी से बात किया, आप वहाँ सेवा के लिए जाना थोड़े दिन के लिए। मैंने कहा अच्छा वहाँ भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। हाँ हाँ वहाँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। ये लगभग 97 की बात है। फिर 97 में उन्होंने मैसूर वाले अकाउंट्स के लिए जा रहे थे, उनके साथ मुझे अकाउंट्स की सेवा के लिए अकाउंट्स ऑफिस में भेजा। बस वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है ये तो मेरा ही लाइन है, फिर यहाँ सेवा है तो मैं करूँगी, नहीं है तो नहीं करूँगी। फिर मैंने सोचा ये तो ठीक है। फिर 3 महीने हुआ, सेवा हुआ, सब जोन्स के अकाउंट्स पूरा हुआ, फिर बाद में यज्ञ के अकाउंट्स होती है, तभी भी मुझे गोलक भाई ने परमिशन दिया अभी भी 1 महीने अब रह सकते हो। फिर हो गया, फिर पूरा हुआ तो मैं वापस आई। दोबारा जैसे ही वैसे मैंने जॉब करना, फिर यही करना यही करती रही। फिर 98 दोबारा गई, दोबारा 98 में भी वापस आई ऐसे। 99 में जब मैं गई तब उसी समय हो सकता है दिल्ली वालों को भी ज़रूरत थी, दिल्ली ब्रिजमोहन भाई ने अकाउंट्स ऑफिस में कहा था हमको कोई हैंड चाहिए। ऐसे ही उनके पास हम 3 कन्याएं सेवा पे रेगुलर 3 साल जाते रहे अकाउंट्स ऑफिस में। उस समय 3 साल तीनों बहनों को इसके बाद अकाउंट्स के बाद आप लोगों को सेंटर पे जाना है बोला। किसने बोला? वो भी मेरा भाग्य है। मैं जब मधुबन में पांडवों में सेवाएं दे रही थी मुझे बहुत अच्छी पालना मिली, बड़ी दादी से, मोहिनी बहन से, ईशु दादी सब वहाँ ही रहते थे उस समय, बहुत अच्छा पालना मिला। क्योंकि लगातार हम 3 महीने रहते थे, अकाउंट्स वालों को दादी मिलती थी कभी, फिर क्योंकि छोटे से स्थान है वहाँ ही चलना फिरना, कन्याओं के ऊपर सभी का ध्यान रहता है, ये लोग कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं। एक बार दादी ने मिला, हम तीनों बहनों से मिली, फिर बोला आप लोगों का लक्ष्य क्या है? हर साल आना जाना कन्याओं को ये शोभता नहीं है? फिर मैंने दादी को कहा दादी मुझे बहुत इच्छा है मैं मधुबन में ही सेवा करूं। फिर दादी ने कहा दादी कन्याओं को मधुबन में नहीं रखेगी, वो लोग बहती गंगा है उनको सेंटर में ही शोभा देगी। फिर मैंने लक्ष्य छोड़ दिया, बट मेरे मन में अंदर और भी एक बात थी, जब तक मैं मैसूर में रहूंगी तो मैं मोह जीत नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि घर से पेरेंट्स से बहुत अट्रैक्शन था, बहुत मुझे प्यार था फैमिली से, इसलिए मैंने सोचा वहां रही तो मैं ना पुरुषार्थ कर पाऊंगी मैं रह सकूंगी वहां। इसलिए मैं बाबा को अंदर ही अंदर बोलती रही बाबा मुझे कहीं दूर भेज दे, मैं उनसे कॉन्टेक्ट ही नहीं कर पाना, ऐसे मुझे दूर रखो तब मेरा भी पुरुषार्थ अच्छा रहेगा, ऐसे बाबा को बोलती थी वो। क्योंकि 21 दिन में मेरा तो मन परिवर्तन हो गया था, तब से मैं बाबा के साथ अच्छा कनेक्शन रखती थी, फिर अच्छे से बाबा से बात करना, बाबा भी मुझे प्यार प्यार से ही पालना देते थे। क्योंकि मैं सोचती हूँ हर बार मैं बाबा के साथ शर्त लगाती, मुझे ठीक नहीं लगा मैं वापस घर जाऊँगी, मुझे ये ठीक नहीं लगेगा मैं वापस कर जाऊंगी, हर बार बाबा को यही बोलती थी। इसलिए मुझे लगता है बाबा भी बहुत प्यार से हर जगह मेरा लाइन क्लियर करके बहुत प्यार प्रेम से रखते थे, कहीं भी मुझे ऐसे लगा ही नहीं मुझे डिफिकल्ट है सेंटर में रहना, कभी भी नहीं। फिर बाद में जब 99 में जब दादी ने कहा ऐसे ही सेवा करते रहे, फिर दादी उस समय हम तीनों कन्याओं को एक बात बोला था आप लोग रोज मेरे से मिलना,
मेरे से मिलके गुड मॉर्निंग करके जाना है। हम तो ऐसे ही मजाक में खेल खेल में करने वाले हम तीनों कन्याएं थे। एक तो दिन गए दादी के सामने ओम शांति बोलते थे फिर चले जाते थे, फिर तीसरा दिन कोई एक दो भी उनके सामने खड़े रहते थे फिर हम किसक जाते थे, ओम शांति भी नहीं गुड मॉर्निंग भी नहीं, चले जाते थे। फिर चौथा दिन भी ऐसे ही हुआ, फिफ्थ डे जब दादी मिली तो कहते कन्याएं दो दिन गायब गए थे, कहाँ थे? फिर हमने दादी को कहा दादी आप तो बहुत बिजी थे। दादी ने कहा दादी कन्याओं के लिए कभी बिजी नहीं रहेगी, आप कभी भी आके गुड मॉर्निंग कर सकते हो। फिर हमको तो बहुत शर्म आया, अच्छा दादी इतना ध्यान रखती है। तब से लेके हम रोज जाते थे। एक दिन दादी ने कहा आप तीनों दादी जहाँ भेजेंगे वहाँ चलोगे? हमने कहा जी दादी। फिर दादी ने कहा सेंटर पे समर्पित होंगे? हमने कहा जी दादी। फिर अभी वापस ये नहीं बोलना घर जाना है? हमने कहा जी दादी। फिर दादी कहती है हाँ मुझे पता है, सारे कन्याएं हाँ हाँ कहते हैं फिर वापस जाते हैं, इसलिए आप लोग आपकी मन की बात लिख के दे। फिर यीशु दादी वहाँ ही थी, यीशु दादी को बोलती है यीशु बहन आप इनसे लिख के ले लेना, तीनों कन्याएं लिख के देना है, जहाँ दादी भेजेंगे वहाँ हम जाएंगे, हम लोग निश्चय बुद्धि आत्माएं हैं, तीनों लिख के आपको दे दें। फिर हम गए रात को तीनों पांडवों में ट्रेनिंग सेंटर में, हमारे कमरा था, तीनों रात को बैठ के क्या लिखना है क्या लिखना है, जाना या नहीं जाना पहले फैसला किया। फिर तीनों ने डिसाइड किया ठीक है भाई हम चलेंगे, क्योंकि 3 साल से ऐसे ही हर साल आते हैं सेवा के लिए वापस घर जाते हैं, ये तो हमारे लिए भी ठीक नहीं। फिर तीनों ने डिसाइड किया सेंटर पे जाने के लिए, फिर तीनों ने लिखा। फिर अगले दिन दादी के हाथ में हम तीनों ने पत्र दिया। फिर अगले महीने आया, 3 महीने सेवाएं चलती थी हमारा, 3रा महीने आया तब फाइनली अंदर ही अंदर अकाउंट्स डिपार्टमेंट और दादी शायद सोचा होगा इन तीनों को कहाँ भेजना है, जैसे ऑफिशियल इंटरव्यू होती है ऐसे हमारा भी इंटरव्यू था तीनों कन्याओं को। गुलसार दादी भी उस समय आई थी मधुबन में, फिर गोलक भाई को कहा होगा तीनों कन्याओं को ले आना। हम तीनों कन्याएं जहाँ हिस्ट्री हॉल है वहाँ से गुलसार दादी बाहर आई, फिर हम तीनों कन्याओं को मिलाया। नीलू बहन भी साथ में थी। तीनों जब जैसे कई बार इशारों से ही बात होती है, ऐसे ही गुलजार दादी ने इशारे से नीलू बहन को कहा था ये कन्या दिल्ली आएगी, माना मेरे लिए कहा था। फिर गोलक भाई को भी कहा ये बहन को दिल्ली भेजना, ठीक है ऑलरेडी हाँ दिल्ली पांडव भवन से ब्रिजमोहन भाई का ऑफर भी था कोई कन्या चाहिए, फिर दादी को ये बात भी पता थी ब्रिजमोहन भाई के लिए कन्या चाहिए। फिर फाइनल इन लोगों को तो पता था बट हमको कभी नहीं बताया, तीनों बहनों को इतना पता है 2 को बॉम्बे जाना है 1 को दिल्ली जाना है, किसको कहाँ भेजेंगे पता नहीं। लास्ट 2 डेज के पहले मुझे पता पड़ा मुझे दिल्ली जाना, फिर दिल्ली जाना है, मैं तो घर से आई हूँ मेरे पास ऐसे सेंटर जाने के लायक कपड़े भी नहीं है। उसी समय हमारे लक्ष्मी बहन जी भी आई थी, फिर लक्ष्मी बहन जी से भी बात किया मोहिनी बहन ज्योति, फिर मोहिनी बहन को लक्ष्मी बहन जी ने कहा दीदी इनको तो अभी दिल्ली भेजना पड़ेगा इनके पास कपड़ा नहीं है, फिर मैं तो जो खरीद सकते बट सिलाई करवाने वाले के लिए आपको बोलना पड़ेगा। फिर मोहिनी बहन ने अब सोचे मोहिनी बहन ने कहा मुझे लगता है इनका सारा मेरा बराबर साइज है इसलिए मेरे माप का उनको सिलवा के दे दूंगी आप निश्चिंत रहो। फिर सारा मधुबन यज्ञ से मेरे लिए अटैची तैयार करके मुझे मधुबन से भेजा गया था। फिर मधुबन से मैं डायरेक्ट दिल्ली ही गई, वापस मैं घर नहीं गई थी। फिर मधुबन से जब निकली आशा दीदी के साथ ही मुझे दिल्ली आना था, फिर आशा दीदी बड़ी दादी से छुट्टी ले रही थी, क्या सभा थी उस दिन, शाम का टाइम 6:30 बजे
उन दिनों में बड़ी जल्दी मार्च अप्रैल महीने में सारी दादियां, जैसे आप लोगों को पता ही होगा पांडवों के आंगन में बैठते हैं, सारे बैठे थे, वहां से आशरी दी चुटकी ले रही थी, मेरा भी परिचय कराया, दादी मेरे साथ इस कन्या को ले जा रही हूँ। फिर वहां से मेरा विदाई हुआ, वहां से डायरेक्ट पांडवों तो नहीं आई, एक दो महीने मुझे ट्रेनिंग करना चाहिए आपको करके दिल्ली में ही, दो तीन सेंटर्स में मुझे रखा गया था, दो तीन सेंटर्स में मैं रही। फिर उसके बाद मैं पांडव भवन 16 अगस्त में गई थी। भाई साहब तो बहुत रमणीक है, आप सभी को पता ही है, भाई साहब ने बड़े मजे से मुझे कहा, बहन जी देखो पूरा इंडिया भारत देश के लिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, आप आज मनाना, क्योंकि दो तीन सेंटर में चक्कर लगा के आज आप पांडव भवन आए हो, 16 अगस्त को आपको स्वतंत्रता मिली है, ऐसे मजाक। फिर उस दिन में दिल्ली पांडव भवन में आई, उसी दिन गुलजार दादी मधुबन के लिए निकल रही थी, बाप दादा की सीजन था, फिर दादी से भी परिचय कराया, फिर उस दिन से आज तक पांडव भवन में रहना हुआ। फिर इसके बीच में बाबा भी मेरे साथ, बाबा के साथ भी मेरा बहुत अच्छा संबंध, जब मैं जॉब करती थी हर बार मैं सोचती थी, मेरा धारणा ये हर बार टूटती रही, क्योंकि जिस दिन भी संकल्प करती थी मेरी धारणा नहीं हो पाती थी, क्योंकि जॉब करते करते कभी ऑफिस में बॉस किस कहीं ले गए। एक बार ऐसा हुआ मेरे साथ, बहुत अच्छा अनुभव, मैंने बाबा को एक दिन बोला था, बाबा हर बार मेरी धारणा ये टूटता है, अभी मैं संकल्प करती हूँ बिल्कुल मैं आज से एकदम धारणा फॉलो करूंगी और एक को फॉलो करूंगी, मुझे ऐसे परीक्षा देना ही नहीं, क्योंकि मैं ऑफिस में खुले से नहीं बोलती थी मैं धारणा करती हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी में जाती हूँ, इतना हिम्मत नहीं था, देह अभिमान थी, इसलिए मैं नहीं बोलती थी किसी को, सिर्फ फॉलो करती थी। एक दिन ऐसे समय आया, मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट फाइल क्लोज करनी थी, इसलिए मुझे संडे भी बुलाया था, संडे भी मैं ऑफिस गई थी, सारे फाइल पूरा हुआ, फिर आपको पता ही है कोई भी एक प्रोजेक्ट पूरा होता है उन लोगों का क्या होता है, पिकनिक मनाओ, नहीं है तो रिफ्रेशमेंट्स के लिए बाहर होटल चलो। वो क्लाइंट भी, फिर सर भी, बॉस भी मुझे बहुत बोला चलो होटल चलेंगे, टाइम हो गया आपको जाना भी है। मैंने कहा बाबा परीक्षा आज भी ले रहे हैं, मैंने बाबा से बहुत अच्छा झगड़ा कर रही थी, बाबा क्या है, मैंने इतना संकल्प किया आज ही मेरे साथ ऐसे हो रहा है, देखो बाबा कैसे मदद करता है, बाबा को दिल से आप कहो, बाबा बहुत बार मुरलियों में सुनाते हैं दिल से आप कहो तो बाबा हाजिर है, ठीक इसी तरह उस दिन ऐसे मिराकल हुआ। फिर मैं गई भी उनके साथ, होटल भी गई, संडे का दिन है, बड़ी जल्दी होटल्स क्लोज करते हैं क्योंकि कई दूसरी शॉप्स खुलता है ना, इसलिए होटल वाले थोड़ा जल्दी बन, वो भी बड़ा फेमस होटल है, वो 8 बजे क्लोज करेगा हमारा, ऑलमोस्ट 7:45 हमने एंट्री किया, उन्होंने कहा नीचे नहीं है ऊपर जाओ, फिर ऊपर गए, हो सकता है उनके पास केवल 5-6 मिनट ही था, हम तीन थे, हम तीनों ने ऑर्डर किया सर ने, फिर प्लेट्स भी आ गया टेबल पर, मैंने कहा अब भी गया, हाँ मेरे से कुछ नहीं होने वाला है, ना बाबा मदद करेगा ना मेरे लिए हिम्मत है, बस हो गया आज भी मैं थोड़ दूँ धारणा तोड़। ऐसे सोचते सोचते मैंने एक चम्मच लिया ऐसे प्लेट, तुरंत वहाँ इतना बड़ा लंबा बाल, मैंने तुरंत इसी को वेपन बना लिया, मैंने कहा नहीं 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 यहाँ तो बहुत बड़ा बाल है गंदा, ये प्लेट मैं नहीं स्वीकार करूँगी, मैं नहीं लूँगी। मेरे सर ने भी बोला नहीं 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 मैडम आप इसको छोड़ दो, बस नेक्स्ट दूसरा ऑर्डर किया, वो कहते सर सॉरी खत्म, क्लोज करने का टाइम है खत्म। मैंने दिल से बाबा को इतना थैंक्स दिया, इतना थैंक्स दिया मेरे चेहरे पे दिख गया, मेरे सर बोलते आप प्लेट नहीं मिला खुशबू तो हो रहे हो, मैंने कहा उनको क्या पता मैं इतना खुशी हो गई, मैंने कहा फिर क्या ऑर्डर करूँ, मैंने कहा मैं स्प्राइट पी लूँगी, फिर ठीक है स्प्राइट दिलाए,
पास। उस दिन से मेरा अंदर एक फेथ बैठ गई। मैंने कहा बाबा हम जो कहेंगे बाबा हमारी आवाज को सुनते हैं। इस बात से मैं बाबा से बहुत प्यार से बाबा के साथ तब से कनेक्शन बहुत अच्छा रहा है मेरा बाबा के साथ। उसके साथ जब दिल्ली आई तभी भी दिल्ली में भी बड़े महारथियों के साथ भी मेरा बहुत अच्छा दिन रहा सबके साथ। पांडवों में उस समय बहुत लोग थे। मैं मधुबन से जब पांडवों दिल्ली आ रही थी कई लोगों ने मैंने से कहा अरे वहाँ तो बहुत लोग हैं, बहुत आपको सामना करना पड़ेगा क्योंकि आप कर्नाटक से जा रहे हो, नॉर्थ वाले बहुत थोड़ा सा फास्ट होते हैं, कर्नाटक वाले ऐसे नहीं, आपको एडजस्ट होना मुश्किल है, घड़ी घड़ी ये बातें बोलते थे। फिर मैंने सोचा क्या करूँ। फिर मैंने कहा 3-4 जगह नौकरी करी हूँ, इतने लोगों के बीच में मैंने सब कुछ किया, उनसे भी एक्स्ट्रा कोई सेंटरों में होते हैं क्या? उससे भी ज्यादा कोई नहीं हो सकते। कितने बॉस के अंडर मैंने काम किया, उससे भी ज्यादा कुछ होता है। कोई बात नहीं, मैं चैलेंज से, सभी कहते थे दिल्ली में आपको साउथ वालों को नॉर्थ में एडजस्ट होना बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ये भी देख लूँ, मुझे क्या रहना थोड़ी है, एडजस्ट नहीं हुई वापस आना है। हर बार बाबा को यही कहते थे मुझे एडजस्ट नहीं होंगे तो मैं वापस आऊँगी। बस इसलिए बाबा भी मेरे रूट इतना अच्छा रखा, बहुत अच्छा, इतनी प्यार प्रेम से, भाई सब इतना स्ट्रिक्ट। आशा दीदी सारे कहते थे आशा दीदी बहुत स्ट्रिक्ट है, बट दीदी मेरे साथ तो ऐसे कभी हुआ नहीं। मेरे साथ बहुत प्यार से भाई सब दीदी हर बात में मुझे डायरेक्शंस देते थे, सिखाते थे। ये रिकॉर्ड है मेरा, मैं 16 ईयर्स तक, अभी मेरा 22 ईयर्स होते आ रहा है, 16 ईयर्स तक आप मानिए या ना मानिए, एक भी दिन मेरा सिर दर्द है या पेट दर्द है, बीमार हूँ, एक भी दिन आधा दिन मैंने कंप्लीट कमरे में सोई नहीं। माना कारण से, माना बीमारी के कारण या थकावट के कारण या तबीयत के कारण, कभी भी मैं डे टाइम में कभी कमरे में आके मैं 4 घंटा रेस्ट नहीं किया हूँ 16 ईयर्स तक। 16 ईयर्स के बाद मेरे साथ कुछ हुआ, तब जाके मैं 1 महीने बिल्कुल रेस्ट करना पड़ा, तब मैंने रेस्ट किया। वो भी शायद पूनम बहन को याद होगा, पूनम बहन ने मुझे डायरेक्शन दिया इस डॉक्टर के पास जाओ सारा ठीक हो जाएगा। तब तक मैंने कभी नहीं, ये तो वंडर है ना बाबा का ही कमाल। सारे कहते थे दिल्ली में जाओ तो आपको वेदर बहुत हीट है, सारे मेरे साथ रिवर्स हुआ, वेदर भी प्रकृति भी रिवर्स, क्योंकि मेरे शरीर बहुत हीट बॉडी है, मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी, यहाँ आके सब कुछ कुछ नहीं, कभी मुझे हीट फील ही नहीं हुआ। हर बार मुझे परेशानी, बहुत सिर दर्द आती थी घर में, सिर दर्द आया मना मुझे जरूर लेना है। यहाँ आने के बाद पता नहीं मुझे कभी भी सिर दर्द आती थी, जस्ट थोड़े समय के लिए फिर टैबलेट लिया बस पूरा। सेवा में इतनी बिजी, आपको पता है ये सभी जानते हैं, दिल्ली पांडवों ब्यूरोटी ऑफिस में सेवाएं बहुत चलती थी शुरू से, स्टाफ भी बहुत कम थे, दीदी भाई सब दिन रात काम करते थे उनके साथ, मेरा भी ऐसे ही। जैसे सेवा में इन्वॉल्व हो जाते हैं यही एक कारण होता है, इस कारण से बाबा भी हमको ठीक रखते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आता। कभी भी कोई प्रोग्राम के बाद मैं बाबा को बोलती बाबा आप भी तो बहुत सेल्फिश हो, जब तक काम होना है एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, काम के बाद कभी कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ। कितने बड़े बड़े प्रोग्राम्स हुआ है, कितना सारे तीनों धादियाँ आते थे, हर बात वहाँ से, हर कोऑर्डिनेशन दिल्ली पांडवों से ही होती थी, हर बात में कभी भी मुझे ऐसे नहीं हुआ। बिजी होने के कारण शरीर का कुछ भी पता ही नहीं पड़ता। जब 16 ईयर्स के बाद जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई एक प्रॉब्लम के कारण, तब उन्होंने कहा आपको इतने साल इतने बड़े बड़े फाइब्रॉयड पाल के रखे हो, आपको पता ही नहीं। मैंने कहा अच्छा मुझे पता ही नहीं, कभी फीलिंग ही नहीं हुआ।
फिर मैं बहुत दिन सोचती रही क्यों मुझे पता नहीं पड़ा, कभी कुछ थका या कभी भी ऐसे मेरे शरीर में है, मुझे पता ही नहीं पड़ा। डॉक्टर भी हैरान हो रहे थे, आपको कैसे पता नहीं पड़ा। फिर मैंने किसी से डिस्कस किया, ऐसे कैसे हो सकता है, कहते हैं आप सेवा में इतना इन्वॉल्व थे, शायद उसको आपने थोड़ा भी दर्द हुआ होगा तो आपने इग्नोर किया है। हाँ हो सकता है, ये तो मैंने, ये थोड़ा थोड़ा तो आता रहता है शरीर के लिए, इग्नोर करते। फिर शुरू में आई, फिर उसी समय आशा दीदी ट्रेनिंग कराने के लिए मधुबन जा रही थी, मेरा भी कोई ट्रेनिंग नहीं हुआ था, मैंने सोचा मैं भी ट्रेनिंग करने जाऊं। फिर मैंने भाई साहब को कहा, भाई साहब मैं ट्रेनिंग करने जाऊं, ब्रजमोहन भाई को कहा मुझे भी ट्रेनिंग करना है। फिर दीदी को कहा, दीदी तो कहती थी सेवाएं बहुत हैं, मैं भी जाऊं, आप ही गए तो आप ही भाई साहब से पूछ लेना। फिर मैंने भाई साहब से पूछा, भाई साहब मैं भी कुमारियों का ट्रेनिंग में जाऊंगी। भाई साहब कहते कौन कराएंगे, मैंने कहा दीदी तो जा रही है, दीदी ही कराने जा रही है मधुबन में। अच्छा दीदी कराने जा रही है मधुबन में, हाँ हाँ वैसे ऐसे ही मेरे से मजाक करे। फिर कहती आपको पता कितने बहने आएंगे वहाँ ट्रेनिंग में, मैंने कहा हाँ जी वैसे 80 ऐसे आते होंगे। इतने लोगों के बीच में आपको ट्रेनिंग कराएगी आपकी दीदी, आपको अकेली यहाँ ही कराएगी ना, अब वहाँ क्या हो जाते हो, ट्रेनिंग कराने वाली दीदी आपके पास है फिर आप क्यों वहाँ जाते हो। मतलब कहने के भाव है भाई सबको सेवा में रखना था, इसलिए बड़े प्यार से मुझे समझा दिया अभी सेवा के टाइम में, अभी आप ट्रेनिंग में नहीं जाना, ट्रेनिंग तो बाद में आपको कराएंगे। ऐसे ही टाल दिया, आज तक मैंने कभी कुमारियों का ट्रेनिंग किया ही नहीं। मुझे बोला आपको ट्रेनिंग यहाँ ही ऑफिस में ही करा देंगे, कौन सी ट्रेनिंग। ऐसे ही भाई सब ने बहुत प्यार से समझाते थे, कभी भी गुस्से से या ऐसे हार्डली कभी मेरे से बात नहीं हुआ। आशा दीदी हर बार बोलती थी सविता आपको पता नहीं है भाई साहब बहुत स्ट्रिक्ट है, मेरे साथ तो बहुत स्ट्रिक्ट है, आपके साथ बड़े प्यार से डील करते हैं भाई साहब, हर बार मेरे से बहुत प्यार से डील करते। फिर और भी मन में कुछ कुछ जागृत होती थी शुरुआत में, क्योंकि पांडवों में एक स्टूडेंट आता था वो CA करता था। फिर मुझे उन्होंने कहा दीदी आपका तो इंटरव्यू है तो फाइनली तो करना है, आप ट्राई कर सकते हो, यहाँ इंस्टीट्यूट है, यहाँ ट्यूशंस भी ले सकते हैं, क्यों आप मिस करोगे, आप कर लो, हो जाएगा तो अच्छी बात है। दोबारा मेरे मन के अंदर वापस CA जागृत हो गया, मैंने सोचा सही बात है, सेंटर पे भी रहो पढ़ो भी, उसमें क्या है, केवल एक महीने के लिए मैं थोड़ा सा सेंटर की सेवाओं से फ्री होके घर चली जाऊंगी, फिर वहाँ एग्जाम लेके आ जाऊंगी वापस। फिर मैंने भाई साहब को कहा भाई साहब मेरा सिर्फ एक ग्रुप रह गया है फाइनल, यहाँ ही इंस्टीट्यूट है, यहाँ से थोड़ा सा ट्रेनिंग लूंगी फिर मैं घर जाके एग्जाम्स लेके आऊंगी, CA करना है मुझे, कंप्लीट करना है। भाई साहब ने तभी भी बड़े प्यार से, अच्छा CA करोगे, हाँ ठीक है भाई साहब, हाँ मैं करूँगी, थोड़े दिन घर जाके पढ़ के वापस आ जाऊंगी, सिर्फ एक ही महीने मुझे छुट्टी दे दो। फिर भाई साहब ने कहा अच्छा ठीक है, क्या करोगे CA करके, मैंने कहा वापस आ जाऊंगी भाई साहब। अच्छा फिर आपको पता है मैंने भी CA किया, मैंने कहा जी भाई साहब मुझे तो पता है, आप सभी ने देखा होगा दिल्ली पांडवों प्योरिटी ऑफिस में अंदर की तरफ भाई साहब दीदी बैठते थे, बाहर की तरफ मैं बैठती थी एंट्रेंस में। फिर भाई साहब ने कहा आपको पता है मैंने CA किया, मैं CA करके इसमें बैठा हूँ, आप CA करके उस चेयर पे बैठोगे, बस यही है ना। मैंने कहा मैं ऐसे ही देखती रही ऐसे क्या बोल रहे। फिर कहते कोई बात नहीं ठीक है, जो भी आएंगे मैं बोल देती हूँ, बेंच भी हमारी बेंच भी CA की हुई है, बस हो गया CA तो करना है आपको, कर दिया आपने आज से, आपने कर दिया CA, ठीक है जो भी आएंगे मैं बोल दूंगी CA कर दिया है बेन जी ने, बस CA के बाद भी तो समर्पित तो होना है। बस ऐसे प्यार से बाबा भाई साहब ने उससे भी मना चली गई तो कन्याएं क्या करते हैं, हाँ बुद्धि माया की तरफ खींचना लेकर के भाई साहब ने बहुत प्यार से मुझे यहाँ ही रखा। ऐसे ही केवल आशा दीदी भाई साहब का ही नहीं,
मुझे दादी गुलजार का भी बहुत पालना मिली है। एक बार ऐसे ही हुआ, मुझे सारे वहाँ दिल्ली पांडवन में दो सविता थे, एक पहले आई हुई थी, उनके नाम भी सविता, मैं भी सविता। जब भी दादी गुलजार वहाँ रहते थे, गुलजार दादी आपस में हफ्ते में एक बार सभी बहनों को बुलाना, सबके साथ बैठना, क्लास कराना, सब करते थे। मुझे पता है 9 से 10 क्लास चलेगी, दादी का क्लास है तो सबको बताते थे। फिर भाई सब दीदी जब घर में है तो कुछ ना कुछ सेवाएं बहुत होती थी। मैं तो ठीक 9 बजे मैं देखती रही घड़ी, दादी का क्लास है, मुझे जाना है जाना है, फिर भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती थी। फिर एक दिन मैं दादी के क्लास में 5 मिनट लेट गई, सारे आ गए, दादी पूछ रही थी सब आ गए, फिर सभी कह रहे थे दादी छोटी सविता नहीं आई है, सॉरी ऑफिस की सविता नहीं आई है, सारे ऑफिस वाली सविता बोलते थे, दूसरी बहन को सविता बोलते थे। फिर दादी को सुनाया, दादी ऑफिस वाली सविता आई नहीं। फिर दादी ने कहा कौन है, फिर दादी तो समझ गई। फिर दादी ने कहा देखो हम ब्राह्मण परिवार के बच्चे हैं, हम सभी आत्माएं हैं, हम सभी एक ही घर के हैं, ये क्या है आप लोग ऑफिस की सविता, ये हम ब्राह्मण बच्चों को शोभा नहीं देता, इसलिए उनको छोटी सविता बोली। तब से लेके दादी ने मुझे छोटी सविता नाम रखा, तब से लेके आज तक पांडवों में सभी मुझे छोटी सविता ही बुलाते। ऐसे दादी का भी बड़े प्यार से मैंने पालना लिया। फिर एक बार सम्मान समारंभ था मधुकर में, फिर मेरा भी नंबर था उसमें सम्मान समारंभ में जाने के लिए। फिर मैंने सोचा सम्मान समारंभ में जाना है, मेरा टिकट भी बुक हो गई थी। उसी समय बहुत बड़ी यज्ञ के लिए कुछ समस्या आई, उसके लिए काम करना था, सेवा करनी थी, वो सारे दिल्ली से ही करना था। फिर भाई सब को बहुत ज़रूरत थी सेवा करने के लिए। फिर आशा दीदी ने मुझे बोला नहीं अभी नहीं जाना आप, अगले दिन टिकट करा के, 3 दिन पहले ही मेरे टिकट थी। फिर कहा नहीं आज नहीं जाना, भाई सब को मुश्किल होगी, क्योंकि भाई दीदी ऑलरेडी ORC में रहना शुरू कर दिया था उसने। फिर कहा आप रहना, मुझे आपको अगले दिन भेज दें। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं अगले दिन कर देंगे। फिर अगले दिन आया तो फिर अगले दिन भी हमारे काम पूरा नहीं हुआ। फिर तीसरे दिन आया, मैंने आशा दीदी को कहा दीदी आज भी नहीं गई। दीदी ने कहा कोई बात नहीं, भाई सब को भी बुलाया है उस प्रोग्राम में, भाई सब के साथ आपको फ्लाइट में ही भेज देंगे। ठीक है, ऐसे ही सोचा ठीक है हो जाएगा। फिर तीसरा दिन हुआ, उस दिन आप सोचिए भाई सब इतने बड़े हैं, सुबह 8 बजे हम बैठे, जिस दिन सम्मान समारंभ है उस दिन शाम को 8 बजे तक हम दोनों ऑफिस में बैठे थे। मेरा तो कोई बात नहीं, भाई सबको दिमाग लगा के, बुद्धि लगा के सुबह से लेके शाम तक वो कमरे में भी नहीं गए, लगातार हम दोनों ऑफिस में बैठ के सेवा की। उस दिन सम्मान समारंभ सिर्फ TV में भी नहीं देखा हमने, क्योंकि हमको काम करना था, वो कंप्लीट करनी थी, उस दिन लास्ट डे था, इस कारण से अंत तक लास्ट में। फिर मेरे मन में ये रह गया मेरा सम्मान समारंभ हुआ नहीं। मैंने कहा कुछ भी ना आए मुझे, मेरा बाहर जा जाए। फिर गुलजार दादी वापस पांडवों दिल्ली आई, मैंने नीलू बहन से रिक्वेस्ट किया, नीलू बहन देखो मैं तो मधुबन नहीं गई, सारे मेरे साथी बहने गए हैं, मैं तो नहीं गई, फिर मुझे दादी से ये पैच पहनवा देना। फिर नीलू बहन ने बहुत प्यार से दादी को कहा भोजन के बाद, दादी इनको पैच पहना दो। दादी कहती है नहीं 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 मैं शाम को पहना दूंगी, हम तो नहीं समझा। फिर नीलू बहन ने बोले पता है क्यों सविता, अभी तो अपना ड्रेस चेंज कर दी, शाम को ऑफिशियली पहनाना चाहती है, आपको ऑफिशियली बैच पहनाना है उनको अपना ऑफिशियल ड्रेस में, इसलिए मुझे मना करती है, शाम को पहना देगी आप। ठीक है, शाम को तैयार हो गई, ऑफिशियल ड्रेस पहना, तब दादी ने बड़े प्यार से अपने कमरे में ही मुझे बैच पहनाया। फिर वो हुक भी नहीं लगा पा रही थी, नीलू बहन ने कहा मैं लगा दूं दादी, कहती है नहीं 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 मैं ही लगाऊंगी। फिर लगाई, फिर सिर पे हाथ रखी,
फिर मेरे लिए वही सम्मान समारोह, और क्या चाहिए। फिर दादी के साथ बहुत सारे फोटोज भी लिया। ऐसे हर स्टेप में मुझे बहुत सहज रीति से बाबा ने मुझे आगे बढ़ाते गए। इसलिए सबसे पहले बाबा को बहुत बहुत थैंक्स। जितना भी गुण अभी मेरे पास है वो शायद ही बाबा का ही देन है, उसी को बाबा मुझे आगे बढ़ाते गए, आज तक आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे एक बार हम बाबा को समर्पित हो जाते हैं, जैसे हम संकल्प करते हैं वैसे ही आते, कहने की भाव है मुझे कहाँ भी मेरी ब्राह्मण लाइफ समर्पित लाइफ में मुझे कभी डिफिकल्ट नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगता है मैंने बाबा को बोला ये हो गया तो मैं वापस चली जाऊंगी, इसलिए बाबा ने मुझे बड़े प्यार से हर जगह रखा है। फिर सभी की बड़ों की पालना भी लिया हूँ, इसलिए इस औकात पे ये बड़ों का ही शिक्षाएं हैं और बाबा का प्लान है। इसलिए सभी दीदी भाई सब दादी सभी जिन्होंने आज तक मुझे प्यार प्रेम दिया आगे बढ़ाया, सभी को भी बहुत बहुत थैंक्स। और बाबा ने मुझे चुना, फिर बाबा ने ही सेलेक्ट करके ऐसे स्थान पे रखा, उसके लिए भी बाबा को भी बहुत बहुत थैंक्स दिल से। फिर आप सभी बहुत बड़े प्यार से इस अनुभव को सुना, इसलिए आपको भी बहुत बहुत थैंक्स। यही बात से मैं क्लोज करूंगी। सिर्फ ये मन में आता है कोई भी पेरेंट्स कभी भी हमारे बच्चों को ये ना कहे चलो ठीक है आपका इच्छा, आपको जो इच्छा है वो करो। वो मुझे लगता है वो मेरे जीवन में नहीं रहा। वो धक्के से मुझे भेजी, माना थोड़ा सा फोर्सफुली मुझे कहा तो ही मैं मानी। ऐसे भी बच्चे होते हैं, थोड़ा फोर्स करना पड़ता है। इसलिए मुझे लगता है पेरेंट्स का भी बहुत पीछे बहुत हैंड है, बाबा के बनने के लिए पीछे पेरेंट्स का भी बहुत हाथ है। इसलिए आप कोई भी एक प्रेरणा भी हमारे जीवन में आज मेरी एक्सपीरियंस से किसी को भी प्रेरणा मिले, मैं समझती हूँ बाबा को कहती हूँ बाबा कोई भी ऐसी प्रेरणा से किसी का भी मन बाबा के ओर चले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस एक्सपीरियंस को वाणी को विराम दूंगी। थैंक यू। ओम शांति। गुड नाइट। ओम शांति। छोटी सविता बहन को बड़ा थैंक्स, ठीक है ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर योर थैंक यू फॉर योर ओपन हार्टेड शेयरिंग, ठीक है ना। बिल्कुल ओपन हार्टेड सर्जरी होती है, ऐसे आपने ओपन हार्टेड शेयरिंग किया तो। और आपकी मदर को भी प्रणाम भी और सलाम भी दोनों करना पड़ेगा। प्रणाम भी करते हैं सलाम भी करते हैं कि कैसे एक कुमारी को ब्रह्मा कुमारी तक पहुंचा दिया। तो ये तो असल पालना उस लौकिक माता ने आपको दी, तो इसके लिए उनको भी बहुत बहुत ढेरों मुबारकबादियाँ। बाकी मैं तो ये पूछूंगा आपको कि आपका बाबा से प्यार है या बाबा का आपसे ज्यादा प्यार है, क्या मैं समझ नहीं पाया। मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ, बाबा को मेरे से बहुत प्यार है। मैं कभी कभी इतनी वंडरफुल मेरे साथ होता है, कितना भी ऑफिस में जाना होता है, कितने भी मिनिस्टर से मिलना होता है, इतना मेहनत मैं नहीं करती जितना बाबा मेरे से हो जाता है। तब मुझे ही शर्म आती है, बाबा आपने मुझे इतना कर दिया तो मैं बहुत कम पुरुषार्थ करती हूँ, मुझे ज्यादा करना चाहिए। ऐसे तो बहुत अच्छा। तो देखो भाई और बहनों, एक बात सुनी आपने और समझी भी होगी कि भगवान इस वक्त संगम युग में बच्चों के साथ स्नेह की डोर से बंधा हुआ है। जो चाहे आप उससे मदद ले सकते हो और हक से जो चाहे वो आप करवा भी सकते हो। इसका ताजा उदाहरण सविता बहन ने सुनाया। देखो कैसे ऑफिशियल बात, देखो ये सेट नहीं हुआ तो घर चली जाऊंगी, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, और भगवान भोलानाथ कैसे बंधा हुआ है, और ये संगम युग में ही बनता है। तो भगवान से जितना कुछ चाहो इस वक्त पा सकते हो। बाकी शिव कुमार भाई शिव के बारे में और सविता बहन के बारे में क्या कहते वो सुनना चाहेंगे। शिव कुमार भाई, आप मिलनसार हैं, बहुत निर्माण हैं, बहुत हर्षित मुख रहते हैं, और प्योरिटी ऑफिस में प्योरिटी न्यूज पेपर तो सबको देते ही थे,
लेकिन साथ साथ मनसा वाचा कर्मणा सबको प्योरिटी का वाइब्रेशन भी फैलाते थे। और प्रसिद्ध इन्होंने अपने अनुभव में सब कुछ बता ही दिया है और बहुत अथक है और निर्माण है, कभी भी मतलब उतावो नहीं होता है, कितना भी काम काज इनके ऊपर आ जाता है ना, फिर भी हम सबसे बहुत मिठास से बहुत प्यार से बात करते हैं। कभी कभी ये बहुत बिजी भी होती हैं, हमें तो मालूम नहीं होता कि ये बिजी हैं, हाँ इंटरनल वर्क क्या है इनके पास। हम कभी अचानक चले भी जाते ना, दीदी ये काम है हमको ये चाहिए, तो भी बड़े प्यार से मिलती हैं बात करती हैं। तो ये सब बाबा की देन है, बाबा ने इनको ये सब विशेषताएं दी है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छी बात सविता बहन जी। देखिए शुरू में पूनम बहन जी ने भी इस बात का जिक्र किया और अभी आखिर में भी शिव कुमार भाई ने भी इस बात का जिक्र किया कि आपके पास कितना भी लोड हो लेकिन वो आपकी जुबान में मीठापन, वो विनम्रता, वो आप चुकती नहीं है। मैं ऐसा समझता हूँ, ये भी एक बहुत बड़ी धारणा और अचीवमेंट है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब कोई वर्कलोड ज़्यादा होता है या कोई एक स्टेज मिल जाता है, स्टेटस मिल जाता है, तो थोड़ा अलग माहौल बन जाता है, लेकिन आपने वो विनम्रता का जो गुण विशेष पकड़ के रखा है, ये बात दोनों ही हमारे महारथियों ने नोटिस करवाई, तो इसके लिए भी आपको ढेरों बधाइयाँ। और हम सबको भी भाई और बहनों ये सीखना चाहिए, कितना भी वर्कलोड हो लेकिन ये मीठापन छूटना नहीं चाहिए, चिड़चिड़ापन नहीं आना चाहिए, ये असल प्राप्ति है, असल धारणा है। पूनम बहन आप क्या कहते हैं? मेरे को तो सविता बहन में एक नटखट बालक का रूप नजर आ रहा था कि नटखट बालक जो है अपने पिता से कैसे अपनी बातें मनवाता जाता। इसने सोचा कि मैं बाबा को जो है छोड़ के भागूं, और बाबा ने सोचा कि मैं इसको भागने ना दूं। इसलिए जैसे जैसे ये अपनी मन की बातें बाबा के सामने रखती तो बाबा उसको पूरा करते जाते। साथ साथ इनकी लौकिक माता जी ने और अपनी मैसूर वाली दीदी ने भी इनका भविष्य नोट कर लिया था कि अगर ये यज्ञ की ऑफिस की सेवाओं में लग जाएगी तो इसका जीवन तो निखरेगा, लेकिन यज्ञ को भी एक बहुत सुंदर विश्वास पात्र मिल जाएगा, क्योंकि कच्ची मिट्टी को बर्तन जैसा उसका डालना चाहे डाल सकते। तो इस उस समय इसकी यह अवस्था थी। तो अपने भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हम सभी, जिन्होंने ऐसे कच्चे फूल को जो है सीए बना दिया, कच्ची मिट्टी को सीए सचमुच बना दिया, सेवाएं दे दे करके इसको बिल्कुल खाली बैठने ही नहीं दिया। और ये तो हमने देखा कि बिल्कुल ये अथक होकर के ही, चाहे मिनिस्टरों के पास दीदी के साथ जाना है प्रोग्रामों का निमंत्रण लेके, राखी पर भी विशेष, और भी जो मेगा प्रोग्राम होते थे उसमें भी, जो भी इनको वर्क मिले इन्होंने हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए, और जो तकलीफ थी जब शरीर की तब भी ये जब जाने से पहले मिलने के लिए आई और जाने के टाइम भी हमने देखा ये तो मुस्कुराए जा रही हैं, हंसे जा रही हैं, इनके तो बिल्कुल कोई दर्द की तो निशानी दिखाई नहीं दे रही, कुछ है भी कि नहीं, लेकिन जो है था तो सही, लेकिन कैसे बाबा ने इनको सेवाओं से मजबूत बनाया हुआ चेहरे और चलन से अपनी सेवा आज तक अब तक भी दे रही हैं। इनकी छोटी सिस्टर भी ORC में रहती हैं आजकल, तो वो भी बहुत एक्टिव हैं और वो भी बहुत मधुर भाषी हैं। तो इनके पेरेंट्स का थैंक्स, सचमुच आपने जो किया वो बहुत अच्छा। ओम शांति। शांति, थैंक यू। और पूनम बहन आपका भी विशेष आभार व्यक्त करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए छिपे हुए रतन, वैसे छिपे हुए नहीं है लेकिन हमारे लिए तो छिपे हुए रतन कहेंगे, तो ऐसे सुंदर छिपे हुए बाबा के रतन को आप सम्मुख लाए हैं, इसलिए आपका भी बहुत विशेष धन्यवाद। मैं कहूँगा ऐसे रत्नों को अगर इस कार्यक्रम में नहीं लाते तो शायद ये कार्यक्रम भी अधूरा रह जाता, भले कितना भी लंबा चला हो। इसलिए आपको भी कोटि कोटि मुबारकबादी और बधाई। बाकी चंपा बहन आप क्या कहते हैं? सविता बहन ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आपकी तो कहानी जैसे सुनी हमने, तो जैसे कहानी सुनते ना इंटरेस्ट से, इतना अच्छा सुनाया जो सुनते ही रहे सुनते ही रहे।
बोले आपने टाइम पर पूरा किया, लेकिन और आधा घंटा किया होता तो भी हम सुनते रहते, इतनी रसिक कहानी सुनाई। बिल्कुल। और आपकी मदर जैसी सबको मदर मिले, और बाबा ने जो आपका था कि भाई सबसे धनवान बने, सबसे बड़ा मकान, तो अभी तो आपका 140 देशों में बड़े बड़े मकान है, जो कितना कोई कितना किसी का भी नहीं होगा, 40 देशों में घर हम लोगों का है, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड बाबा के बच्चे। तो वो आपकी वो भी जो ख्वाहिश थी वो भी बाबा ने पूरी किया है, दूसरी रीति से किया है, लेकिन अभी हम किस जगह भी जाए तो हम कहते हमारा यहाँ हमारा सेंटर है, कोई भी देश में जाए तो बहुत बहुत शुक्रिया। और कभी हम बड़ौदा में भी हमारे पास आओ तो सन्मुख भी मिलेंगे, वैसे मिले होंगे देखा होगा, लेकिन फिर अभी सन्मुख झूम से मिलना हुआ और फिर मिलेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। और पूनम बेन का भी, क्योंकि पूनम बेन सबको दिल्ली में से एक एक रतन को चुन चुन के लाते हैं। पूनम बेन आप लोगों का शुक्रिया है, मेन तो आप सबका शुक्रिया है जो आपने परखा कि हाँ जो भी आएंगी बहनें वो सब एक से एक बढ़कर के अपने अनुभव सुनाएंगी, तो आपने उन सबको रिगार्ड दिया, प्यार दिया, तो आप सबका रिगार्ड प्यार ही हम बहनों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये भी आपकी विनम्रता है, तो चलिए 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। गुलजार दादी भी हमेशा यही कहती थी कि हमारे जितने घर है ना उतना किसी के नहीं घर। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सच्ची है ना ये बात एकदम। तो चलिए 2 मिनट। देखा है तुमको बाबा रूहों को प्यार करते, देखा है तुमको बाबा रूहों को प्यार करते, शांति।